दोस्तों 3:34, 3:34 PM यानी कि 4 मिनट हुआ है मार्केट बंद हुए, और मंगलवार को ग्रीन कैंडल अगर 4 का अंक है तो बनता है, मतलब बनता है आज की कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, अगर आप समझोगे तो समझ जाओगे। लेटेस्ट फर्स्ट सी 3:35, लेटेस्ट फर्स्ट सी द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। कल की डेट तक आप लोग मेरा वेबिनार 5000 के डिस्काउंट में ज्वाइन कर पाओगे। 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, भूल से फ़ोन नहीं करिएगा। कुछ लोगों को लगता है मैं फ़ोन में बात कर लूँ, तो प्लीज़ फ़ोन मत करिए, ज़बरदस्ती मुझे ब्लॉक करना पड़ता है, लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे। किसी को भी अलाउड नहीं है फ़ोन करना, जो मुझसे 10 साल से जुड़े हुए हैं ना उनको भी अलाउड नहीं है, वो भी रिक्वेस्ट ही करते कि सर कैन आई डू, या फिर मेरा कोई पर्सनल नंबर है उनके पास, देन इट्स अ सेकेंडरी। तो चलिए पहले तो मार्केट देख लेते हैं कहाँ क्लोजिंग आई है। क्लोजिंग 17,100 के करीब आ गई, जो कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, आज सपने में भी नहीं सोचा होगा जैसा मार्केट ने ओपन किया था 800 843, सुबह फर्स्ट कैंडल पे दिखा दिया था, ठीक है, फर्स्ट कैंडल जो 9:07 पे। बैंक निफ्टी देखिए क्या रिकवरी किया, बैंक निफ्टी ने तो कल का क्लोज को भी रिटेस्ट कर दिया, कल की क्लोज थी 656, आज का हाई 638। अकेला आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, पूरी ये जो मेरी लिस्ट दिख रही है आपको, इस लिस्ट में अकेला एक पॉजिटिव स्टॉक है, मारुति 0.43% ऊपर है, जबकि आज का लो कितना था 8376, इस लो से 250 पॉइंट ऊपर आके अपने आप को प्लस में बंद किया। तो मैंने आप लोग को क्या बोला, मंगलवार मारुति और मंगलवार अगर 4 का अंक है न्यूमरोलॉजिकल तो ग्रीन कैंडल ही बनती है या फिर फ्लैट होता है, माइनस नहीं होता। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मंगलवार मारुति, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने मेरे लिखा था वो ऑलरेडी आपको भी दिखा चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं और कुछ नया है क्या, क्या दिया। हाँ तो आज ये लिखा था 10:20 AM के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ये सुबह मैंने 8:32 पे लिख दिया था, आज 8:32 पे, मतलब 9 भी नहीं बजी थी तब लिख दिया था, एक घंटा मुझे लगा था कि इतना माहौल ख़राब तो एक घंटा तो रुलाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 9:21 पे मार्केट खुलने के 6 मिनट बाद ही लिख दिया था कि 99 में ये कॉल मिल रहा है 18,000 का, इसका स्टॉप लॉस 30 रुपये रखिए, टारगेट 700 रुपये का है 31 मार्च का। ये कॉल में आप इंटरेस्टिंग देखिए, ये कॉल 18,000 का है, ये रहा, इसका लो बनाया था 95, मैंने 99 पे दिया, इसकी कल की क्लोज थी 151, इसने आज का हाई भी 151 मार दिया, 50% का इंट्राडे में गेन हुआ, जिस दिन मार्केट 100 पॉइंट माइनस, मोर देन 100 पॉइंट माइनस बंद करा, उस दिन आपको कॉल बाई करा के 50% का इंट्राडे गेन, मतलब आपकी कैपिटल 100 से 150 हो गई, ठीक है। मारुति इज क्लोजिंग इन ग्रीन मंगलवार पावर रिसर्च, ये तो 3:27 आज कुछ ज़्यादा, अच्छा सेकेंड कॉल था लुपिन का 760 का कॉल ले लीजिए, 29 रुपये में मिल रहा है मार्च वाला, एवरेज करिएगा, एवरेज नहीं है 24, ये 11:08 में लिखा, स्टॉप लॉस 16, टारगेट 90 रुपीज़ का टारगेट। लुपिन देखिए आप 753 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है, आज का लो कितना है 737, अब ये जो कॉल मैंने बोला था 760 का वो देखिए, इसका लो कितना बनाया 25, मैंने बोला था बाई नियर एवरेज नियर 24, ये भी लिखा कि नहीं, तो 25 का लो बना के वापस 30 रुपये आ गया।
इसका टारगेट है 90 रुपीज का। उसके बाद 3:28 पे लिखा मैंने कि मेरा पर्सनल टारगेट मारुति का 31 मार्च तक 9,500 से लेके 9,900 तक का है, 9,500 टू 9,900 टिल 31 मार्च। ये मेरे आज के इतने ही थे, आज कुछ ज़्यादा नहीं था क्योंकि आज माहौल अच्छा नहीं था। अब आ जाइए, देखिए ग्रीन कैंडल बनी कि नहीं मंगलवार, और ये एकदम बॉटम इसी में बनाया कि नहीं, इस ग्रीन लाइन जो मैंने आपको दिखाया भी था यही बॉटम रहा, और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, क्लियर है? अब आप लोग बोलोगे सर ये तो कल से, तो भाई साहब ओपन कहाँ हुआ, आज की ओपनिंग से गिनो ना यार, आज की ओपनिंग कहाँ हुई, 864 पे ओपन करके कोई बंदा 17,140 तक आने की हिम्मत करता है, और लास्ट में भी 17,093 पे क्लोज होता है, और क्या चाहिए। ये भी प्रूफ हो गया मंगलवार का, और ये मैंने आपको बोला था ये एक डिवाइडर लाइन है, इस लाइन के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ जाएगी उस दिन समझ जाना मार्केट बीयर्स के हाथ में गया। ये जो डिवाइडर लाइन है ये रेड कलर की, जो 18,604 और 18,210 जो पहले के दो टॉप थे, ये दो टॉप थे आपको याद होगा, 18,604 और ये 18,210, इसको दोनों को टच करके मैंने एक ट्रेंड लाइन नीचे लाया, तो आज तक इस रेड लाइन के नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं आया। आप देख सकते यहाँ मार्केट इसके नीचे यहाँ पे भी गया, इस कैंडल में भी गया, इस कैंडल में भी गया, तीन बार गया इसके नीचे, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई इसके नीचे। जिस दिन इसको क्रॉस किया, यहाँ पे इसको क्रॉस किया था, उसके बाद से आज तक ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये एक समय रेजिस्टेंस था, तो आज तक इसके नीचे क्लोज नहीं आई। 14 तारीख को भी चाहता तो इसके नीचे क्लोज आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये डिवाइडर है, लेकिन उसको भी छोड़ देते तो हम लोग, ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल के नीचे मार्केट अभी तक क्लोज नहीं हुआ, और इस एंगल को कल तोड़ने के लिए मार्केट को कितना तोड़ना पड़ेगा ये भी बताता हूँ। कल अगर ये क्रॉस करने चाहेगा, आपको तेजी कब समझ में आएगी कि तेजी आ चुकी है, मैं बताता हूँ। जिस दिन मार्केट इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो इस अगर कल इसको देना है तो कल इसको कितना क्लोजिंग देना पड़ेगा, कल इसको 260 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज आएगी। 260 भी नहीं, 275 के ऊपर, मोर देन 275 कल अगर क्लोज करता है तब आप समझ लेना कि एक ब्रेकआउट आ गया, तब तक इस चैनल में, इस एंगल में। और नीचे का कल के लिए नीचे कौन सा लेवल के नीचे क्लोज आएगी, तो कल अगर 16,870 के नीचे क्लोज आ जाए, 870 के नीचे, तो समझ जाना ये ग्रीन लाइन टूट गई, दोनों चीज़ बता दी। तो कल के लिए 275 और 16,870 यहाँ लिख दे दो। कल दो में से अगर क्लोजिंग देखना कल, तो कौन सी देखना, 16,275 के ऊपर आ गया तो समझ जाना बल्ले बल्ले, और 17,275 और 16,989 ये कितना था यार, 16,880 के नीचे, बुल्स गए काम से, क्लोजिंग है ये दोनों, दोनों क्लोजिंग
लेवल्स ऑफ निफ्टी स्पॉट, मतलब अगर इसके नीचे कल क्लोज करता है 16880 के नीचे तो बाजी बियर्स के हाथ में चली गई। फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा कि इस रेड लाइन के नीचे जब तक नहीं आएगी तब तक भी पूरी तरह से बाजी नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको हार मान लेना चाहिए उस समय। 880 और 275 के ऊपर क्लोज हो गई तो समझ जाना कि जितने बियर्स अभी एक दो दिन में बने हैं इनके सर को गंजा कर करके इनके टकले पे दे धनाधन तेजी के हथौड़े मारे जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये हो गया, अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो एज इट इज जो पुराना बना हुआ था एज इट इज बना हुआ है, देखिए इसके नीचे गया था अंदर घुस गया था हमसे। बैंक निफ्टी में तो कोई डर ही नहीं है। अब बैंक निफ्टी कल के लिए लेवल आ गया, कल अगर 37920 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी है 37920 और नीचे की तरफ 37050 लिख देता हूँ। ये सब स्पॉट के लेवल है, ये दोनों लेवल आप ध्यान रखिएगा। इसके नीचे क्लोज आई बैंक निफ्टी खत्म, इसके ऊपर आई बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी आ सकती है आने वाले दिनों में, ठीक है। इसका फोटो ले लेता हूँ, मैं भी ध्यान रखूंगा कल। अब देखते हैं आज क्या हुआ। आज की कैंडल तो देखिए प्योर बुलिश कैंडल बनी है। अब इसको हम लोग 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं आज क्या हुआ। तो 15 मिनट का चार्ट देखिए, ये आज की शुरुआत हुई, इतने इतने बड़े गैप से शुरुआत किया इसने और पहले कैंडल में ही लो बनाया था आज का। क्या लो बनाया था? 16843 का पहला कैंडल में। उसके बाद इसने, अब इसको देखो अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दें, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दें तो ऐसे भी आपको ये बता रहा है 16940 कल एक बड़ा सपोर्ट रहेगा 16940, और यहाँ पे इसको एक ब्रेकआउट कल आज मिल चुका है और अबव 17050 ये हमेशा बुलिश रहेगा कल के लिए। 17050 के ऊपर ये कल अगर टिका रहता है तो बुलिश रहेगा, तो 275 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो पूछना ही नहीं। तो कल के लिए 940 और 17050 इंट्राडे प्लेयर्स लोग के लिए लेवल है। अबव 17050 बी बुलिश, बिलो 16940 बी बियरिश फॉर इंट्राडे प्लेयर्स। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी क्लास लेते हैं, ये देखिए वी शेप का कमाल, दिस इज वी शेप, ओके, एंड दिस वाज द ब्रेकआउट एंड एग्जैक्टली द टारगेट केम। 15 मिनट्स के चार्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीखते हैं।
ठीक है। एक और यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए वी शेप्ड ब्रेकआउट, ठीक है, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में क्या दिखा रहा है, वैसे कैंडल बनाया, इसको भी 15 मिनट में देख लेते हैं। देखिए ये वी शेप रिकवरी, ये ब्रेकआउट एंड टारगेट एंड अगेन रीटेस्ट हो चुका है, ये रीटेस्ट हो चुका है। अब कल जब भी ये 37,300 के नीचे रहेगा तब तब आप बियरिश रहिएगा, बिलो 37,300, अबव 37,300 आप बुलिश रहिएगा। कल सिंपल एक ही सिंगल फिगर दे दिया आपको, ये स्पॉट का फिगर, दैट्स इट। अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, और डाउ जोन्स फ्यूचर जरूर दिखा देता हूँ आपको। अभी इस समय कितना है, 3:52 हो चुकी है, 3:34 पे वीडियो स्टार्ट किया था, 306 पॉइंट माइनस है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। और एसजीएक्स निफ्टी तो अभी खुला ही नहीं होगा, 4:30 बजे के बाद खुलेगा, तो छोड़ दीजिए उसको, हो गया। और अच्छा विक्स वगैरह भी देख लेते हैं, इंडिया विक्स क्या हुआ। सत्रह परसेंट बढ़ा है, इसको तो एक बार चार्ट देखना पड़ेगा, इसका विक्स काफ़ी बढ़ गया, लेकिन एक डेंजर है, इसका चार्ट देख लेता हूँ मैं। विक्स इतना बढ़ना ठीक नहीं होता, मगर बाजार भी ऐसा नहीं, तो विक्स बेचारा घटा के रख नहीं सकता, क्योंकि एनी टाइम कोई न्यूज़ आके आपकी बैंड बजा सकती है, तेजी वाले के भी और मंदी वाले के भी। देखिए आज विक्स में कितना बड़ा गैप अप हुआ है, ये कल का विक्स यहाँ पे क्लोज था और गैप अप करके इसने ये जो मैंने रेड कलर का डेंजर जोन बनाया, इस डेंजर जोन में आ चुका है विक्स। अब खाली आपको तभी डरना जिस दिन 30 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, राम राम सत्य हो जाएगा मार्केट का, याद रखिएगा। ये डेंजर जोन मैंने पहले से ही बना रखा था, आप देख सकते हो रेड कलर का, आज घुसा जरूर है डेंजर जोन में, ये डेंजर जोन में आज एंट्री ले लिया इसने, तो अभी भी एक खतरा तो सर पे मंडरा रहा है तेजी वाले के ऊपर, क्योंकि जब तक इस डेंजर जोन के नीचे रहता है तब तक ठीक है, मतलब तब तक इतना नहीं डरना है। हालांकि सबसे बढ़िया तब रहेगा जब इस ग्रीन लाइन के नीचे आ जाएगा, तब 21 के नीचे आ जाए तो बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाइए, लेकिन अभी तो मामला 2290 पे आ चुका है, नहीं
26.47 26, तो ये 21 के नीचे आए तो हम लोग बिल्कुल फिर कंफर्टेबल हो जाइए, लेकिन ये जो जोन है 26 से लेके 30 तक का, ये खतरनाक जोन है। इसके ऊपर निकल गया तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा मार्केट को, तो ये एक डेंजर साइन है। आज के अच्छे दिन में भी एक बुरी खबर है ये एज पर चार्ट्स, ठीक है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पीसीआर भी देख लेते हैं, मैंने तो आज देखा ही नहीं था। ये क्या खुल गया? फरवरी का कहाँ गया? चलो इसको फरवरी बना देंगे। सुबह था 1.06। चलिए किरण यादव में भी देख लेते हैं। वन पॉइंट जीरो वन पे आज नीचे काफ़ी आया था, 0.89 भी आया था क्या? आज तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो अबव 0.90 के नीचे जाने के बाद अबव 1 आने का मतलब होता है कहीं ना कहीं बुल्स ने आज बाजी मारी है। 1 इज ए न्यूट्रल जोन, ओके। तो बस अभी वीडियो यहीं एंड करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।